टू माई न्यू वीडियो। कैसे आप सभी, आई होप आप सब बहुत ही छूंगे। तो ये रोड देख सकते हैं कितना सुहाना सुहाना रोड है, और मैं इस रोड पे खाली अकेले चल रही हूँ। तो रोड पे अकेले अकेले, आगे पीछे कोई नहीं, एक दो गाड़ियाँ आ रही है जा रही हैं। सो गाइस, ये रोड है मेरे मायके की रोड है, और अभी मैं जा रही हूँ। सो गाइस, बहुत सारे बाइक आ रहे जा रहे हैं, खाली मैं सोच रही हूँ किसी को पूछ लूँ कि ले जाए कोई। हेलमेट भी है मेरे पास। एक्चुअली पतिदेव मेन रोड पे मुझे छोड़ के चले गए, क्योंकि अब उसका बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था। और अभी मैं बताती हूँ मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ अपने मम्मी के घर नहीं, मतलब वहीं पे बगल में एक आंटी है, उनकी बेटी का आज शादी है, तो बुलाया था उन्होंने, तो आज जुड़न है, तो इसलिए हम लोग जा रहे हैं देखने के लिए शादी। और आप लोग को भी थोड़ा सा रिकॉर्ड करके मैं ज़रूर दिखाऊंगी कि यहाँ पे आसामीज़, जैसे कि हम आसाम में रहते हैं, तो आसामीज़ शादी कैसे होती है, तो आप लोग को थोड़ा सा दिखाएंगे। आज है शादी, कल है पार्टी। तो अभी जा रहे हैं, देख सकते हैं व्यू कितना अच्छा आ रहा है इस रोड का। तो आसपास लोग भी है जो कि देख रहे हैं कि क्या कर रही है, ये देख सकते हैं। ये देखो गाइस, प्यारा सा पपी जो मुझे देख रहा है, कुछ कुछ मुझे नहीं, पीछे देख रहा है, मुझे देख रहा था, फिर उधर देखने लग गया। देख सकते हैं यहाँ पे बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स, हमारे मायके की कॉलोनी कुछ इस तरीके की है। सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव, है कि नहीं? आप लोग कमेंट में बताना यहाँ की शादी कैसे होती है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, ठीक है? तो आरुष को काफी ज्यादा लेट हो रहा था ना, आरुष को मतलब छुट्टी का टाइमिंग हो रहा था, तो इसीलिए पतिदेव चले गए, और यहाँ से मुझे पैदल पैदल ही जाना है फिलहाल। तो चलते हैं, पहुंच के आप लोगों को दिखाते हैं वहाँ पे कैसे क्या हो रहा है। ब्लॉग में बने रहिएगा आप लोग। हे गाइस, तो अभी हम आ गए थे जहाँ पे वेडिंग हो रही है, और ये है आसामीज वेडिंग। तो आप लोग को देखने को मिलेंगे किस तरीके से यहाँ पे आसामीज वेडिंग होती है, और इनके रिचुअल्स किस तरीके के होते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ब्राइड रेडी वेडी होके बैठी हुई हैं, और साथ ही पिंक जो मेखला चादर पहनी है ना, वो उनकी ननद है, और साइड में इनकी सास है। तो आज के दिन में ना, सास और ननद और थोड़े बहुत जो रिलेटिव होते हैं ना, उनके ससुराल के साइड से आते हैं दुल्हन को ज्वेलरी वगैरह चढ़ाने के लिए, और फल इसके साथ साथ जो भी कपड़े ड्रेस वगैरह देते हैं ना, सभी के लिए आज के दिन ये सब दिया जाता है। और इन लोगों में ना, सास ही आज के दिन में तिलक लगाती है, सिंदूर लगाती है, और शादी इनका आज ही हो जाता है, और बारात नेक्स्ट डे आता है लड़के के साथ में, फिर बाकी के जो रिचुअल्स होते हैं वो होती है। यहाँ पे देख सकते हैं चढ़ावे के टाइम में यहाँ पे इतने सारे ड्रेस दिए जा रहे हैं, और ये है इनका ट्रेडिशनल ड्रेस चादर मेखला, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, सुंदर होता है, देखने में बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट लगता है, लुक इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है, और काफ़ी महंगी भी आती है। यहाँ पे आप जितने भी गेस्ट को देखेंगे ना, सारे ने चादर मेखला पहन के रखे हुए हैं, क्योंकि ज़्यादातर सभी लोग आसामीज़ थे, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पर हम और भाभी अभी जा रहे हैं। गया स्कूल छे, देख सकते हैं मेरे घर के सामने ही पार्टी हो रहा है गाइस, इसीलिए हम आ गए। तो गैस, अभी हम आ गए हैं खाने के लिए, और कितना अच्छा सा, मतलब देख सकते हैं अरेंजमेंट बहुत अच्छा किया गया था, और भवन में शादी नहीं किया था, क्योंकि हमारे कॉलोनी में ना बहुत ज़्यादा स्पेस थी, तो हर जगह पे आंटी लोगों ने टेंट लगवा के कहीं शादी का पंडाल, कहीं ये खाने का जो पंडाल है वो बनाया था, बहुत अच्छा व्यवस्था किया था। यहाँ पे उसका देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ रिचुअल्स हो रहे हैं, तो यहाँ पे पानी के साथ रिचुअल्स हो रहे हैं, तो ये वाला जो रिचुअल्स होता है ना, वो नदी में जाके या पोखरी तालाब जो भी होता है वहाँ पे जाके किया जाता है, बट यहाँ पे थोड़े थोड़े दूर में थे, तो इस तरीके से बाल्टी में पानी लेके यहाँ पे रिचुअल्स हो रहे हैं। साथ ही आंटी लोग जितनी भी है ना, सारे गाना भी गा रहे हैं, तो आप लोग देखिए वीडियो को और एंजॉय करिए कि क्या क्या कैसे कैसे हो रहा है आसामीज वेडिंग में, तो देखते रहिए आप लोग और एंजॉय करिए। देखिए
तो अभी रिचुअल्स करने के बाद जो लेडीज़ लोग थी ना वो गीत गाते गाते घर आ गई थी, और घर आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे भी कुछ नियम हो रहे हैं, पान तामूल और कुछ पैसे दे के और तब एंट्री हो रही है। उसके बाद मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की क्योंकि मैं उसके बाद घर चली गई थी, और अब आपको नेक्स्ट डे का ब्लॉग देखने को मिलेगा, तो वीडियो में बने रहिए। हे गाइस, सो ये है नेक्स्ट डे की वीडियो, और आज है कल शादी का। मैंने आप लोग के साथ शेयर किया हुआ था कि कैसे असम में शादी होती है, और आज है रिसेप्शन, मतलब रिसेप्शन नहीं, आज बाराती आएगा और रिसेप्शन भी होगा, और कल मतलब इन लोग में शादी हो जाता है एक दिन पहले, और आज के दिन में दूल्हा आता है बारात लेके, तो थोड़ा सा अलग नियम होता है, तो आप लोग को देखने को मिलेगा। और अभी हम लोग अभी रेडी होने दे सकते हैं, और ये साड़ी नहीं है गाइस, ये है चादर मेखला जो कि असम का ट्रेडिशनल ड्रेस होता है वो है, और मैंने पहन ली है, और यहाँ मैं रेडी हो गई हूँ, और अभी हम लोग जाने वाले हैं रिसेप्शन। रिसेप्शन ही है ना, मतलब शादी रिसेप्शन जो है, तो वहाँ जाने वाले हैं। पता नहीं, अभी भी रेडी हो रही है, हम लोग रेडी हो गए, अभी चलेंगे साथ में। हेयर नहीं किया गाइस, बस अभी थोड़ा सा गाइस, तो यहाँ पे रेडी हो गई फाइनली, देख सकते हैं, और बैक कैमरे से दिखाई से देख सकते हैं फुल लुक। चलिए कैसे फुल लुक, अभी आप लोग को दुल्हन से मिलवाते हैं, दुल्हन को दिखाते हैं। सो गाइज, अभी हम आ गए हैं जहाँ पे वेडिंग हो रही है, और देख सकते हैं घर के सामने ही है, तो जब मन कर रहा था तब आ रहे थे, जब मन कर रहा था घर चले जा रहे थे, तो इस तरीके से। और काफ़ी अच्छा, हमारी जो बॉन्डिंग है ना काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इस वजह से हम लोगों ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया शादी में, दिन से लेकर रात तक रहे, बहुत अच्छा लगा। और ये जो बा है, मतलब हिंदी में दीदी बोलते हैं, तो ये मेरे से सीनियर थी, और काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है, तो इसीलिए अच्छे से हम लोग पार्टिसिपेट किए शादी में, अपनापन जैसा था, बहुत ही अच्छा लगा, और काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही थी। यहाँ पे हम लोग अभी आ गए थे खाने के लिए, और खाने में बहुत ही अच्छे अच्छे मतलब आइटम्स थे, और बहुत ही मतलब टेस्टी खाना था। फिलहाल अभी खाने के बाद हम लोग जाएंगे घर, और घर थोड़ा रेस्ट करेंगे, उसके बाद मैं घर आ गई थी, ज़्यादा सूट नहीं किया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा था, मुझे घर भी आना था। तो ये आज का ब्लॉग यहीं तक है, बाय बाय, टेक केयर।